समदड़ी कस्बे के तहसील कार्यालय में शुक्रवार को उम्मीद सागर धवा परियोजना के वॉल ऑपरेटर कर्मचारियों ने प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से तहसीलदार अपूर्व गौतम को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संघ ने बताया कि उम्मीद सागर धवा समदड़ी खंड परियोजना में करीबन 5 साल से वॉल ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी दिसंबर से अब तक का हमारा वेतन हमें नहीं मिला है। समदड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। समदड़ी कस्बे के तहसील कार्यालय में शुक्रवार को उम्मीद सागर धवा परियोजना में वॉल ऑपरेटर कर्मचारियों ने प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम तहसीलदार अपूर्व गौतम को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरपत सिंह ने बताया कि उम्मीद सागर धवा समदड़ी खंड परियोजना में करीबन 5 साल से वॉल ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे हैं। हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं। इस 5 साल के कार्यकाल में 3-4 एजेंसी चेंज हुई तथा वर्तमान में दिसंबर में जीतू इंटरप्राइजे एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के तहत कार्य करी है। दिसंबर से अब तक का हमारा वेतन हमें नहीं मिला। कार्मिकों ने बताया कि कई बार वेतन देने को लेकर वार्तालाप की, परंतु हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ज्ञापन में बताया कि 7 दिवस के अंदर हमें हमारा पूरा वेतन मिलना चाहिए, अन्यथा हमें मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। तो कर्मचारी का 3 महीने का वेतन बकाया है, वो वेतन के कारण में हमने दिए तहसीलदार साहब को ज्ञापन और उसमें मांगे हैं। ठेकेदार साहब को भी कई बार अवगत कराया, लेकिन ठेकेदार ज़्यादा बोलते तो हटवाने की धमकी और वो कर रहे हैं। इस बावजूद में हम तहसीलदार साहब को और हमारे जो बाकी अधिकारी उनको हमने ज्ञापन दिया। क्या है ज्ञापन में, क्या आपकी मांगे हैं? ज्ञापन में यही मांगे हैं, पहले तो उनको चेतावनी लेटर दिया हुआ था। चेतावनी लेटर देने के बाद में भी हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है। जो सैलरी है 3 महीने की बगैर हमारा, वही है मुद्दा कि हमारे जल्द से जल्द भुगतान करें। हमारे कार्मिकों ने जल्द वेतन दिलाने की मांग तहसीलदार अपूर्व गौतम से की। वहीं हड़ताल पर बैठने पर संपूर्ण जवाबदारी कंपनी व ठेकेदार की होगी। इस दौरान ज्ञापन देने में गोविंद राम, तुलसा राम, सवाई सिंह, नेमदास, सुरेश सेन, रमजान खान, शैतान सिंह, दिनेश, सचिन खान सहित कई कार्मिक मौजूद रहे।